प्रदेश सरकार द्वारा 1800 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व व्यवस्था को समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश जारी होने के बाद भी ग्रामीण इलाकों में लगातार आपसी रंजिश के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कलचीखाल ब्लॉक के नलई गांव का है, जहां पर एक प्रवासी द्वारा गांव के एक रिटायर फौजी के साथ 5 अन्य लोगों पर खुद को जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित कुलदीप सिंह होता है कि बीते दिन उनके घर में घुसकर रिटायर फौजी और उनके अन्य साथी के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। तो आपको बता दें कि लगातार इस तरह के जो मामले हैं सामने आ रहे हैं, और अब इसी पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की गई, जिसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। चलिए रुक करते हैं एक बार का, जहां जोशी मठ में जमीन धंसने की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने हेलंग बाईपास के निर्माण कार्य और NTPC निर्माण कार्य सहित नगर पालिका में हो रहे निर्माण कार्यों पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। वहीं प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए जिला प्रशासन ने NTPC और HTC कंपनियों को एहतियातन अग्रिम रूप से 2000 प्री फेब्रिकेटेड भवन तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा है और प्रभावित परिवारों को नगर पालिका ब्लॉक BKTC गेस्ट हाउस JIC गुरुद्वारा इंटर कॉलेज IPI सहित अन्य सुरक्षित स्थानों पर रहने की व्यवस्था की है। तो बता दें कि जोशीमठ क्षेत्र में 43 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से शिफ्ट कर लिया गया, जिनमें से 38 परिवारों को प्रशासन ने जबकि 5 परिवार स्वयं सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो गए। वहीं भू दशा बढ़ने से खतरे की चत में आए भवनों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि कोई जानमाल का नुकसान ना हो।